स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, फिर भी कुछ भाई बहन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मॉक में कम स्कोर आ रहा है, 60 आ रहा है, 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो कैसे सिलेक्शन होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 70 प्लस 80 प्लस भी कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर गेम चेंजर जैसे मैंने टॉपिक लिखा है, क्या हो सकता है याद रखिएगा। गेम चेंजर आपका, देखिए, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश हो या जीके हो, ये आपका गेम चेंज कर सकता है यहाँ पर। रीजनिंग मैथ्स तो क्या होगा, अगर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, लेकिन जो जीके अगर पढ़ लिया, मान लो मैं 3 मंथ्स का आपको बोल रहा हूँ, आपने अच्छे से पढ़ा 3 मंथ का, बहुत अच्छे से, तो हो सकता है जो कैंडिडेट 6 महीना का पढ़े, उसको लगे कि 6 महीना का मैं कवर कर रहा हूँ, अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, वो 6 महीना पढ़ के भी आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। अगर आप 3 महीना का भी अच्छा से पढ़ लिए, मेहनत कर लिए अच्छा से, तो हो सकता है कि आपका लक, ये लक भी चाहिए। जीके में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है वो सोर्स से क्वेश्चन लग गया, तो वो लक होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इंग्लिश होता है, देखिए, इंग्लिश भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट 40 में से 30+ अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो 30+ अटेम्प्ट करके भी उनको 10 तक भी स्कोर नहीं आता है। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है और आप कॉन्फिडेंट है कि इंग्लिश में आप 20+ उठा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकता है आपका। तो दोस्तों, इंग्लिश और जीके में अगर आप मिलाकर 40 तक स्कोर कर दिए ना, 40 तक अगर स्कोर कर देते हैं, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो इंग्लिश और जीके होता है, अगर आप 40 मार्क ला देते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है मैथ्स रीजनिंग में आप अगर 25 भी स्कोर कर ले, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इंग्लिश और जीके को आप लाइटली ना लें। बहुत लोग सोचते हैं कि हो जाएगा 30+ तो आराम से हो जाएगा, लेकिन स्कोर 30+ नहीं आएगा। अगर 30 स्कोर आप कर लेते हैं इंग्लिश में या 20+ भी, तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो इसलिए कट ऑफ पे ज़्यादा टेंशन ना लें। कट ऑफ आपका इस बार अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है, 60+ तो एवरेज रहेगा ही, ठीक है, लेकिन ये डाउटफुल है कि आपका 75+ कट ऑफ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट ऑफ द स्टेट में 60 और 75 के बीच में ही रहने वाला है कट ऑफ, याद रखिएगा। क्यों, रीज़न क्या है, वैकेंसी ज़्यादा है, इसी कारण है। तो गेम चेंजर आप याद रखिएगा, ये इंग्लिश और जो जीके है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप 40 भी अटेम्प्ट आपका स्कोर हो जा रहा है, तो बाकी में आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इसको लाइटली ना लें, अच्छा से अटेम्प्ट करें एक्यूरेसी से। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हो सके तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो दोस्तों, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट।